सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अदर न्यू वीडियो। सो गाइज, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, अभी हाल ही फिलहाल में फोनसेका एक न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है जो कि अभी है अंगूरी से मंगूरी, जो कि काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में है। तो चलिए गाइज, आज उसी सॉन्ग के ऊपर हम लोग वीडियो एडिटिंग करेंगे। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगता है हम लोग एक बार प्यार सा जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का हर एक कमेंट से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। सो गाइज, लेट्स सी, चलिए पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, फिर मैं उसका फुल ट्यूटोरियल देता हूँ। लेट्स गो। सो गाइज, अभी आपने जो प्रीव्यू स्टेटस देखा, आपको ये प्रीव्यू स्टेटस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज, अभी ये पवन सिंह का काफ़ी लेटेस्ट सॉन्ग आया हुआ है जो कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। सो गाइज, कुछ इस टाइप का आप वीडियो एडिटिंग आप अपने फोटोस को लगाकर बनाना चाहते हैं तो बहुत ईजी स्टेप्स में बना सकते हैं। मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊँगा, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। सो गाइज, आपको क्या करना है कि सबसे पहले लाइट मोशन एप्लीकेशन को फोन में इंस्टॉल कर लेना है। देन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और एक सिक इफेक्ट करके लिंक दी गई है, उसको अपने लाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। देन गाइज, हम लोग अपने लाइट मोशन को चलिए यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। देन आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो मैंने आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट और एक सिक इफेक्ट करके दोनों लिंक दी गई है, आपको दोनों को वहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। सो गाइज, इंपोर्ट करने के बाद आपको सिंपली सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट पे हम लोगों को क्लिक कर देना है। सो गाइज, यहाँ पे आपको एक फोटो को ऐड करना होगा जिसका साइज 9x60 के रेशियो में होगा, तो आप अदर एप्लीकेशन से क्रॉप करना, नहीं तो आप सिंपली मीडिया में जाके यहाँ से अपने फाइल को सिलेक्ट करना जिस भी फाइल में आपको फोटो होगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली फोटो पे क्लिक करके यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया पे सिलेक्ट कर देना। देन यहाँ से क्लिक करके करंट फ्रेम एस पीएनजी पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका फोटो जो है 9x60 के रेशियो में क्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ से सेव कर लोगे तो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। देन आपको क्या करना है गाइस, कि आपको सेम फोटो को इस ग्रुप पे और उसके नीचे वाले लेयर पे ऐड करना है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले नीचे वाले लेयर पे क्लिक करते हैं, कलर एंड फिल का ऑप्शन में जाएंगे, स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिस फाइल में अपने फोटो को क्रॉप करके रखा हो। तो गाइस, ये रहा मेरा फोटो भी जो मैंने क्रॉप किया। सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड में वो फोटो ऐड हो गया। देन आपको ग्रुप पे फोटो को ऐड करने के लिए सिंपली आप ग्रुप पे क्लिक करना, देन एडिट ग्रुप पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको जो पर्पल कलर का इमेज करके लेयर देखने को मिलेगा इस पर सिंपली क्लिक करना और यहाँ पे स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप जैसे ही फोटो को ऐड करके यहाँ पे भी आपका फोटो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पे इस तरह से कुछ ऐड हो गया। देन आपको नेक्स्ट बिट से फोटोज़ को ऐड करना है, तो चलिए इसको मैं बाद में बताऊँगा, पहले आपका ग्रुप का जितना भी काम है सबको हम ग्रुप वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइज, आगे आप आओगे तो आओगे आपको फिर उस स्टेप से ग्रुप देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी सिंपली आप 9x60 के रेशियो में फोटो को ऐड कर लेना। तो चलिए गाइज, यहाँ पे भी हमारे जो 9x60 के रेशियो में फोटो क्रॉप है उससे हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो चलिए गाइज, इसी फोटो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। देन आपको सिंपली ऊपर वाले ग्रुप पर क्लिक करना है और ग्रुप पर क्लिक करने के बाद एडिट ग्रुप पर क्लिक करना, सॉरी गाइज, ये वाला ग्रुप नहीं, मतलब सेकंड वाला ग्रुप था उस पर हमें क्लिक करना था। चलिए गाइज, हम लोग वहाँ पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं बस इसके बैकग्राउंड में ही आप फोटो ऐड करोगे तो यहाँ पे हमारा ये वाला इफेक्ट तो कम्प्लीटली ऐड हो गया। देन आपको स्टार्टिंग में आ जाना जहाँ से हमारा ग्रुप, मतलब मैंने इसको ऐड किया था, उसके बाद हमारा जो बीट था यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया में चले जाना है, यहाँ से अपने फाइल को सिलेक्ट करना है जिस फाइल में आपको फोटो होगा। तो गाइस, इस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देना। देन गाइस, नेक्स्ट बिट पे आना और इसका एक्स्ट्रा जितना भी पार्ट होगा इसे कट कर देना है, ठीक है। सो गाइस, इसी तरह से 1x1 करके आपको फोटोज़ को ऐड कर देना है। देन इसका एक्स्ट्रा जितना भी पार्ट होगा इसे आपको कट कर देना है। सो गाइस, इसी तरह से चलिए हम लोग फोटोज़ को ऐड करते हैं और तब तक ले थोड़ा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस, सारे फोटोज़ को ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से हो जाना है बैक और सिक इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना। देन मैंने यहाँ पे आपको जो फर्स्ट इफेक्ट आपको दिया है, ठीक है, इस इफेक्ट को सिंपली फोटो पे टैप करना, इफेक्ट में जाके 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है। सो गाइज, कॉपी इफेक्ट करने के बाद फिर से आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है। देन गाइज, आपका जो फर्स्ट वाला ग्रुप था उसके बाद हमारा जो फोटो आपको देखने को मिल रहा है सिंपली उस फोटो पर टैप करना है, इफेक्ट में चले जाना और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। सो गाइज, 1x1 करके यहाँ पर जितने भी फोटोज हैं आपको यहाँ पर ऐड करते जाना है फर्स्ट वाले इफेक्ट को।
सो इसे तब तक ऐड करना है जब तक हमारा डबल बीट मार्क देखने को नहीं मिल जाता। तो ठीक है, आप जब तक ऐड करते जाओगे तो आपको यहाँ पे 10 सेकंड पे आप देख सकते हो डबल बीट मार्क देखने को मिलेगा। तो गाइस 10 सेकंड पे आपको उस फोटो को मतलब उस इफेक्ट को नहीं ऐड करना है 10 सेकंड वाले फोटो पे। उससे पहले हमारे यहाँ पे जितने फोटोज हैं उन सारे फोटोज पे फर्स्ट वाले इफेक्ट को अप्लाई करते हैं और थोड़ा सा वीडियो चले कर देते हैं स्किप। फर्स्ट इफेक्ट को ऐड करने के बाद सिंपली अपने सेक इफेक्ट में आ जाना, देन हमारा जो सेकंड वाला इफेक्ट आपको दिया गया है ठीक है, इस फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट में चले जाना और यहाँ आते थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है। सो गाइस कॉपी इफेक्ट करने के बाद फिर से आपको सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है और गाइस हमारा जो 10 सेकंड पे आपको डबल बीट मार्क देखने को मिला था वहाँ पे आपको आ जाना है ठीक है। 10 सेकंड से लेके आपको 10 सेकंड वाले फोटो से लेके मतलब ये वाला जहाँ से आपको फिर से इस तरह इफेक्ट को ऐड करते जाना है। ऐड करते हुए जब आपको फिर से डबल बीट मार्क जहाँ पर नहीं देखने को मिल जाता जो कि आपको 15.03 सेकंड पे है ठीक है, तो इस फोटो मतलब इस वाले बीट से पहले यहाँ पे जितने भी फोटोज़ हैं उन सारे फोटोज़ पे आपको सेकंड वाला इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो आप टाइमिंग देख सकते हैं 10 सेकंड से लेकर वहाँ पे आपको 15.03 सेकंड तक जितने भी फोटोज़ देखने को मिलेंगे उस पे आपको सेकंड वाला इफेक्ट को अप्लाई करना है। सो गाइस करते हैं इसको भी ऐड और वीडियो करते हैं स्किप। सो गाइस सेकंड इफेक्ट जब फोटोज़ पे आप ऐड कर दोगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है ठीक है। यहाँ पर आपको एक ग्रुप मिल देखने को मिलेगा होगा ठीक है कुछ स्टेप से। तो पहले ग्रुप एंड मास्क पे इस तरह से होल्ड प्रेस करना, जिनसे स्क्रॉल करके फोटोज़ के ऊपर लेके आपको इस तरह से सेट कर देना है ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से स्क्रॉल करना है और हमारे यहाँ पे एक और लेयर देखने को मिलेगा, इसको भी इस तरह से टैप करना है। देन आपको इसे फोटोज़ के ऊपर जाकर और ग्रुप के ऊपर इस तरह से सेट कर देना है ठीक है। तो आप सेट करोगे तो आप देखोगे सेकंड फोटो के ऊपर भी हमारा कुछ स्टेप से इफेक्ट ऐड हो जाएगा ठीक है। तो कहीं उसके बाद सिंपली हमें यहाँ से हो जाना है बैक और सेक इफेक्ट में जाएंगे और हमारा जो थर्ड वाला इफेक्ट है आपको स्टेप से कुछ देखने को मिला होगा, इसको सिंपली आपको यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। थर्ड वाले इफेक्ट को भी कॉपी इफेक्ट कर लेना और कॉपी इफेक्ट करने के बाद फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे और जो गाइस हमारा 15.03 सेकंड पे डबल बीट मार्क देखने को मिला था वहाँ पे आ जाना है। तो चलिए गाइस हम लोग स्क्रॉल करके वहाँ पे आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे 15.03 सेकंड पे जो हमारा देखने को मिला था डबल बीट मार्क, सिंपली इस फोटो पे क्लिक करना और अपने थर्ड वाले इफेक्ट को इस फोटो पे अप्लाई कर देना है ठीक है। सो गाइस इसे भी वन बाय वन करके ऐड करना, इसे तब तक ऐड करना जब तक हमारे यहाँ पे ग्रुप एंड लेयर देखने को नहीं मिल जाता जो कि मैंने आपको दिया था, आप वहाँ पे फोटो ऐड किए होंगे। तो गाइस चलिए इसमें हम ऐड करते हैं फोटो और उसको आपको दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं जैसे ही चार फोटो पे इफेक्ट को ऐड करता हूँ तो गाइस उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा ग्रुप एंड लेयर इस तरह से देखने को मिल जाता है जहाँ पे मैंने फोटो को ऐड किया है ठीक है। तो गाइस इसको इस तरह से ऐड करने के बाद सिंपली हम यहाँ से हो जाएंगे बैक और बैक होने के बाद सिक इफेक्ट में आ जाएंगे और जो हमारा पाँचवा नंबर का इफेक्ट है उसको सिंपली यहाँ से हम लोग कॉपी इफेक्ट कर लेंगे ठीक है। सो गाइस कॉपी इफेक्ट करने के बाद फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे और हमारा जो ग्रुप एंड लेयर आपको देखने को मिला था अभी जो कि हमने चौथा इफेक्ट मतलब ऐड किया था यहाँ पे ठीक है, तीसरा इफेक्ट। तो गाइस यहाँ पे हमारे ये वाला ग्रुप के बाद अभी हमने जो इफेक्ट कॉपी किया सिंपली इस इफेक्ट को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे ठीक है। ये वाले लेयर के बाद आप देख सकते हैं 20.02 सेकंड पे है, सिंपली इस फोटो पे हम लोग ये वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। तो गाइस इसे भी आपको तब तक पेस्ट करना है जब तक हमारा फिर से डबल बीट मार्क देखने को नहीं मिल जाता। तो चलिए गाइस इसको हम लोग तब तक से ऐड करते हैं जब तक हमारा डबल बीट मार्क देखने को नहीं मिल जाता। तो गाइस मैं आपको डबल बीट मार्क की टाइमिंग भी बता देता हूँ, आप देख सकते हैं डबल बीट मार्क 25.07 सेकंड पे है। तो गाइस इस यहाँ तक हम मतलब इससे पहले हमारे यहाँ पे जितने भी फोटोज हैं उस पर हम लोग ये वाले इफेक्ट को ऐड करते हैं और वीडियो थोड़ा कर देते हैं स्किप। सो गाइस इस वाले बीट तक आप जब फोटोज़ को ऐड कर दोगे तो आपको सिंपली यहाँ से हो जाना है बैक और सेक इफेक्ट में हमारे चले जाना है अपने जो हमने आपको दिया था और यहाँ से आपको लास्ट वाले इफेक्ट को सिंपली कॉपी इफेक्ट कर लेना है ठीक है। तो गाइस लास्ट वाले इफेक्ट को जब कॉपी इफेक्ट कर लोगे तो फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट के अंदर आना और जो गाइस हमारा डबल बीट मार्क अभी देखने को मिला था जहाँ पर हमने इफेक्ट को ऐड किया तो गाइस वहाँ पर सिंपली आपको आ जाना है। तो गाइस ये वाला डबल बीट मार्क आप देख सकते हैं 25.07 सेकंड पे था। तो गाइस यहाँ से लेके आपको लास्ट वाले फोटो तक लास्ट वाला इफेक्ट जो अभी हमने कॉपी किया उसको ऐड कर देना है ठीक है। तो गाइस इसको जब आप सारे फोटोज़ पे ऐड कर दोगे तो आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा, आपको सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो गाइस पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि गाइस आपका भाई ऐसी एडिटिंग हमेशा लेके आता रहता है। सो गाइस मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।